हेलो दोस्तों, आज का वीडियो पंडाल के ऊपर है। जैसे कि आप यहां देख सकते हो, महाकाली मंदिर अयान नगर में आया हूं। आज आपके साथ शेयर करने वाला हूं आर्ट, एक आर्टिस्ट की जर्नी। वो जर्नी कौन सी है, पंडाल डेकोरेशन के ऊपर है। अगर आप भी पंडाल डेकोरेशन करना चाहते हैं या समझना चाहते हैं, आज के वीडियो में आपको ये नॉलेज मिलेगा। क्या मटेरियल यूज़ करता हूँ, किस तरह से मैं करता हूँ, ये सब जानने के लिए चलिए शुरू करते हैं। मतलब कि शुरू से शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने ब्राउन पेपर का इस्तेमाल किया, कट पेस्ट करके मैं चिपकाऊंगा। आपको क्या लगा, ये टाइम लैप्स है, यहाँ टाइम पास हो रहा है? कौन टाइम पास कर रहा है, ध्यान से देखना। अब करेंगे ड्राइंग, मगर किस में पहले करेंगे ये डिसाइड नहीं कर पा रहा मैं। इसमें करूं या इसमें करूं, किस में करूं? Next day, later. अब इन चार कलर का यूज़ करेंगे। सबसे पहला है येलो कलर। आज के वीडियो में जो मटेरियल मैं यूज़ करने वाला हूँ, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। कभी कभी क्या होता है, एक कोट से हो नहीं पाता है तो दूसरा कोट मारना पड़ता है, उसके बाद वो कलर उभर के आता है। इसके बाद मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ ब्लू कलर। जब भी कलर बनाए, क्वांटिटी ज़्यादा रखें, बार बार बनाने का झंझट नहीं होता। सबसे मैंने येलो लिया, फिर कोबाल्ट ब्लू लिया, अब डार्क कर रहा हूँ तो रेड ले रहा हूँ मैं। फिनिशिंग के लिए वाइट कलर का इस्तेमाल करेंगे। क्यों करेंगे, अभी तक जो तीन कलर इस्तेमाल करें उसके आउटलाइनिंग के लिए वाइट का इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी है, इससे वो काम पूरा खिल के आता है। अगर ये काम आपको पसंद आया और आप भी वॉल आर्ट कैनवस पेंटिंग करवाना चाहते हैं, इस नंबर में मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। जाने से पहले आपको बता दूं, आज की वीडियो का शूट कृष्णा, किशन, रविंदा और मैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा कमेंट सेक्शन में बताएं, इससे मुझे मोटिवेट मिलता है कि मैं नई नई वीडियो बनाऊँ क्रिएटिव तरीके से, आप उसको देख के इंजॉय करें। बाकी आपको पता ही है, प्रैक्टिस करते रहिए, वीडियो मेरी देखते रहिए। शुक्रिया।